थाना कौड़िया के अंतर्गत रुपईडीह ब्लॉक की ग्राम सभा हरखापुर के कोटेदार की दबंगई सामने आई है, जिसमें पाया गया है कि कार्ड धारकों को कम राशन दिया जा रहा है एवं यूनिट पर 4 किलो ही दिया जाता है। एवं कई कार्ड धारकों ने यहां तक बताया कि कोटेदार के यहां गल्ला लेने जाओ तो वहां पर मौजूद पूर्व प्रधान राजू वर्मा लोगों के साथ अभद्रता भी करते हैं और कहते हैं कि जहां लेना है राशन वहां से ले लो, यहां नहीं दिया जाएगा। बाद में कोटेदार सरिता देवी उमरा गांव की और राशन वितरण पूर्व प्रधान अपने निवास पर करवाते हैं, जिससे ग्राम सभा वासियों का कहना है कि कोटेदार और पूर्व प्रधान की मिलीभगत से गरीब जनता को फ्री में मिलने वाला राशन खा रहे हैं और इस विकट स्थिति में हमारा देश महामारी की कगार पर है और सरकार हर गरीब और जरूरतमंदों के लिए राशन उपलब्ध कराने की बात कह रही है, परंतु ऐसे कोटेदार और ग्राम प्रधान क्या होने देंगे? शासन और प्रशासन का सामना पूरा क्या देश की जनता को मिल सकेगा इसका हक, या फिर ऐसे कोटेदार पूर्व प्रधान के साथ मिलकर करते रहेंगे दबंगई, या फिर सेकते रहेंगे कुछ राजनीतिक अपनी राजनीति की रोटियां? क्या शासन और प्रशासन कर सकते हैं ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई? हमारी टीम द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन में पाया गया कोटेदार वाकई ऐसी दबंगई कर रहे हैं और पूर्व में प्रधान वर्तमान समय में भी प्रधानी कर रहे हैं। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि ग्राम प्रधान कोई और चलाता है और प्रधानी क्या मिल सकता है गरीबों को, उनका हक वापस या फिर दर दर ठोकरे खाते रहेंगे गरीब। क्या समस्या है आपकी? हमें राशन मिलता है 14 यूनिट है, जिसमें 60 किलो में राशन मिलता है। आपकी 14 यूनिट है ना? हाँ। तो कितना मिलता है? 60 किलो। गल्ला आप कहाँ तोले? कोटेदार के यहाँ तोले या घर पे तोले? कोटेदार के यहाँ। मतलब उन्हीं के यहाँ तोले, उन्हीं के यहाँ कम निकला गल्ला? हाँ, 60 किलो देते वो खुद वहीं से। तो किसी शिकायत क्या नहीं किया? नहीं, किसी से नहीं किया। जब गल्ला आपको कम मिला वहाँ पे कोटेदार के यहाँ, तो वहाँ पे वहाँ से कोटेदार से नहीं बताया आपने? बताया था। तो क्या बताया? बोला इतना आता ही है। कितना आता है? 4 किलो दे रहे थे, 56 किलो। हमने बोला तब 60 किलो, 4 किलो बढ़ा दिया, 60 किलो दिया। कितना रुपया लिया था? 3 रुपए यूनिट लेते हैं गेहूँ और चावल। कितना रुपया लिया था आपसे टोटल? आपका 14 यूनिट है तो आपसे कितना रुपया लिया, किलो मत बताइए। तो हमारे 3 कार्ड है ना, 180 रुपया। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मक्खन लाल। कौन सा गाँव आपका? हरखापुर। कोटेदार कौन है यहाँ का? कोटेदार प्रधान। नाम बताइए कोटेदार का कौन है, हम प्रधान को नहीं पूछ रहे हैं। चलिए और कोई है? अच्छा, तो ये बताइए कि गल्ला कम मिलता है आपको भी? हाँ। कितना यूनिट है आपकी? अब 35 मिले चाहिए तो ना, मैं 3 किलो काटी 7 जन का। अच्छा, 7 यूनिट है आपकी। हाँ। तो आपको 35 मिलना चाहिए। हाँ। तो कितना दिया आपको? 3 ना ही देंगे। हाँ। कितना रुपया लिए थे आपसे? रुपया कत्ता लिया था हम यहाँ। चलो ठीक है। आप, आपका? रमाकांत शुक्ला। कौन सा गांव है? हरखापुर। कोटेदार कौन है? रानी देवी। रानी देवी वाइफ आप? कोटेदार जो हैं श्रीमती रानी देवी, उनके पति का क्या नाम है? मिश्री लाल। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या में अप्रैल से ही नहीं मिला हमको गल्ला, नहीं मिला जी। बोला गया कि राशन ही कट गया, राशन का नाम ही कट गया। नाम उनका कट गया तो आपने फीड नहीं कराया होगा आधार कार्ड? देखो जी, फिर से अंगूठा भी लग गया। अच्छा, दूसरी जगह अंगूठा लगा जी, बिल्कुल। तो कोटेदार के यहाँ जब आप गए तो बताया कि आपका नाम कट गया जी। आपने अंगूठा रखा था? नहीं, जैसे यहाँ है कि कोटेदार से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर मतलब प्रधान से है। प्रधान कौन है? प्रधान तो दूसरा है, पर कर रहे हैं दूसरे। कौन कर रहे हैं? राजू वर्मा। राजू वर्मा है। नाम आपका? राजू वर्मा। प्रधान कौन है? चुनकू। अच्छा, आप उनके प्रतिनिधि हैं कि भाई? पूर्व प्रधान है। अच्छा अच्छा, तो प्रधानी आप ही देखते हैं क्या? तो वो खुद देखते हैं, हमको क्या देखने की जरूरत है। तो ये जो कोटा का विषय इतना चल रहा है तो आप पूर्व प्रधान हैं जी, तो इसमें क्या सत्यता है, क्या वो है बताइए? सत्यता है, बता रहे हैं अभी आप जो है इनका कार्ड देख लीजिए, अभी कार्ड इनका इसी महीने में फीड हुआ है, तो बता रहे हैं कि कार्ड जब कार्ड कट गया तो उनको खाद्यान्न कौन देगा? सही है नहीं? तो जैसे आप पूर्व प्रधान हैं तो जिन लोगों की समस्या है जी, तो उनका कार्ड वगैरह आप फीड करवा दीजिए ना। तो राशन कार्ड फीड, जितने लोगों का राशन कार्ड बना 90% मेरे है, तो आप फीड कराएगा। चलिए ठीक। मैं क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उदयवान सुकुल। अच्छा सुकुला जी, बताइए कितना यूनिट है आपकी? हमारे तो है 12 यूनिट। 12 यही चार पर अंगूठा लगा था। मतलब तो 12 यूनिट है, तो आपका कार्ड कट गया था क्या? नहीं, अंगूठा इसी पर लगा, हमारा अंगूठा नहीं आया। अंगूठा पर नहीं लगा? हाँ। कोटेदार बताइए अंगूठा क्यों नहीं लगा, क्या समस्या? नेटवर्क नहीं था।
तो ये तो बता रहे हैं कि नेटवर्क नहीं था उस समय। नेटवर्क और सबके लिए है साहब, हमारे लिए आठ परिवार के लिए नहीं रहा। क्यों संबंध में साहब, नेटवर्क के बारे में हमारी जानकारी है ना कि कब आता कब जाता है। और ये हमसे कहना कि चार एक दाना नहीं दे पाऊंगा। क्यों जी नहीं, ये हमने कुछ नहीं कहा। और आपके लिखित मांगा रहा आपसे, मैं चारा के लिए करता है फंसा है मामला, हम रहने का कारण फंसा है। चलो ठीक है, श्रीलाल आए बोल रहा, श्रीलाल ना हो तो ये कोटेदार कौन है आपके? दरिया वितरण वाला कर दे फतवा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव के कुछ लोगों की शिकायत है कि आप गल्ला कम तौलते हैं। जी नहीं, हम अपने कांटे से कम नहीं तौलते हैं। अच्छा, कांटा साहब सही देते हैं गल्ला जी। और ये भी शिकायत है कि मानक से जो भी मतलब उचित रेट से आप ऊपर भी दाम लेते हैं कुछ। इन्हें दो तीन में देते हैं। दो रुपए में क्या देते हैं, तीन रुपए में क्या देते हैं? दो रुपए में चावल देते हैं, तीन रुपए। अच्छा, तो ये घर तौली वाली इतनी समस्या क्यों लोग बता रहे हैं? घर तौली आपके सामने कांटा है, सब कांटा चेक कर लीजिए, कांटा के साथ जिम्मेदार है। अभी आपने किसी को गल्ला दिया तुरंत? अभी चलिए जो